वर्षों के बाद 106 गरीब परिवारों को एयरपोर्ट के सामने जमीन के टुकड़ों का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में अनेक कार्यकर्ताओं ने सहभाग दर्शाया और नागरिकों को सुविधा देने की घोषणा भी की गई। गोंदिया के खातिया ग्राउंड पर 3 जून दोपहर 2 बजे 13 वर्ष पूर्व एयरपोर्ट बनने का काम शुरू हुआ था। 9 वर्ष हो गए किंतु सामने रहने वाले परिवारों को प्लॉट देने का आश्वासन बार बार दिया जा रहा था, पर उन्हें जमीन अब तक नहीं दी गई थी। अब अनेक आंदोलन पश्चात शासन द्वारा आज उन्हें जमीन का वितरण किया गया। इस अवसर पर सांसद सुनील मंडे, प्रणीते पाटिल, पूर्व विधायक रमेश कुथे, संजय टेम्पल, गज्जू पुंडे, एयरपोर्ट के अधिकारी श्री के बैज आदि प्रमुखता से उपस्थित थे, जिसमें टीवी पत्रकार लाभार्थियों को प्लॉट के पट्टे का वितरण भी किया गया। अतिथियों ने जनता के 13 वर्षों से किए मेहनत की तारीफ कर उन्हें सभी सुविधा देने की घोषणा की। कि यहाँ प्लॉट आपको जो 10-12 साल पहले ही मिलना था, आज वो 13 साल बाद मिल रहा है, फिर भी आप खुश हो। एक हम लोग हमेशा बोलते हैं कि गरीब हमेशा बहुत असंतुष्ट होता है। ये तो हमारा उस समय का हक था कि जब एयरपोर्ट बन रहा था उसी समय आप सबको ये प्लॉट मिलना था। दुर्गा भवन मालूम, मुझे नहीं मालूम किस कारण वजह से यह आज तक इतना लंबा चला, लेकिन आज मुझे भी अच्छा लगता है। मैंने भी जिंदगी में अनेक काम किए हैं, लेकिन ऐसे ही कुछ कामों में जो हमको सुकून मिलता है, आनंद मिलता है, जब ऐसा कोई मौका आता है कि जब गरीब का कोई हक जो उसे छीना जा रहा था पिछले 13 साल से, आज पहली बार आपको मिल रहा है, तो आपके चेहरे पे जो आनंद, जो खुशी की जो हम लोग देख रहे हैं, उसे मुझे भी खुशी महसूस होती है, मुझे भी आनंद मिलता है। आप सबको बहुत बधाई। मित्रों, नहीं था जिस काम को मैं पिछले 2 साल से पीछे भिड़ रहा था, उस पर कोरोना काल में भी 1 साल चले गया, इससे मुझे पता लगा कि बहुत ज़्यादा कुछ काम भी नहीं बचा था। पैसा भी अधिकारी के पास रखा गया था, उसके बावजूद इस काम को पूरा करने के लिए 13 साल लगे। अब ये प्रशासकीय बाप बोलो या जो नेतागण थे इससे पहले, मेरे से पहले, उनका इस पर दुर्दृश्य बोलो, इन लोगों ने इतना लंबा खींचा, मुझे बड़ा अफसोस होता है। फिर भी जब आए, देर आए, दुरुस्त आए, आप सबको फिर से मुबारक हो। वीकेबी न्यूज के लिए गोंदिया से सतीश पारदी की रिपोर्ट। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।